की कोशिश करूंगा। अभी रोजी रोटी कानून की बात हो रही है और जब हम रोजी रोटी की बात कर रहे हैं तो इस संदर्भ में एक मजेदार परिस्थिति देश के अंदर पैदा हुई है। परिस्थिति क्या है कि कल तक जो हम कह रहे थे, जिसके लिए जेल जाना पड़ा, जिसके लिए तथा कथित राष्ट्रभक्तों से कोर्ट में मार खानी पड़ी, वही बात कल केरल में मोदी जी बोल रहे थे। बताओ, जब हम कहते हैं कि हमको गरीबी से आजादी चाहिए, भुखमरी और बेरोजगारी से आजादी चाहिए, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो पाकिस्तान से नहीं, भुखमरी और बेरोजगारी से लड़ने की जरूरत है, तब भक्त लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। अब तो मोदी जी भी बोल दिए हैं, बताओ कौन सी ट्रेन से पाकिस्तान जा रहे हैं। मतलब अगर हम कहें अच्छी बात तो उसको नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आका कहे अच्छी बात तो जल्दी मान लेंगे। सुनो भाई, सिर्फ उसके कहने से अच्छा दिन नहीं आएगा, हम सब मिलकर के अच्छे दिन के लिए लड़ेंगे तब अच्छा दिन आएगा। इसीलिए सबकी बात को माननी पड़ेगी। इसीलिए मन की बात से ज्यादा जरूरी होता है सबकी बात को सुनना, और जब हम सबकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, खाने पीने की बात हो रही है, उसके अधिकार की बात हो रही है, तो धूमिल की एक कविता मुझे याद आ रही है। धूमिल कहते हैं कि एक आदमी रोटी पकाता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी पकाता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो ना रोटी पकाता है ना रोटी खाता है। वो तीसरा आदमी कौन है? ये देश की संसद मौन है। हमें ये जानना पड़ेगा कि इस देश के अंदर जो मेहनत करने वाले लोग हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, उन तमाम लोगों को अपने मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता है? और जब हम ये सवाल खड़ा करते हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो तीसरा आदमी कौन है जो हमारी मेहनत को लूट रहा है। और हमको लगता है कि वो तीसरा आदमी इस देश के अंदर हजारों साल से सत्ता पे बैठे हुए वो ऊंची जाति के लोग हैं, और आज के समय में वो पूंजीपति हैं जो हमारे तमाम मेहनत की लूट को जारी रखे हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस तीसरे आदमी के खिलाफ जब हमारी संसद नहीं बोलती है तो क्या सड़क पे हमारे नारे गूंजेंगे कि नहीं गूंजेंगे, ये सवाल आज हमारे सामने है। और सड़क पे नारे गूंज रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, नॉर्थ ईस्ट हो या वेस्ट इंडिया हो, तमाम जगह पे ये नारे गूंज रहे हैं। और इन नारों को जो गूंजाने वाले लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार भी हो रहा है। और अत्याचार किस नाम पे होता है? कहा जाता है कि अगर आप दलित अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं, अगर आप आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो आप नक्सली हैं, अगर आप अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो आप जिहादी हैं, और अगर आप महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो आप भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं। ये तमाम तरीके के विशेषण से आपको नवाजा जाएगा। हम कहते हैं मोदी जी, फेसबुक की तरह स्माइली भेजना बंद कीजिए, और हम लोगों के ऊपर ये जिहादी, नक्सली, देशद्रोही, संस्कृति विरोधी, पाकिस्तान समर्थक, ये स्टिकर चिपकाना बंद कीजिए, क्योंकि स्टिकर चिपकाने से देश नहीं बदलता, देश की जनता को उसका रोजी रोटी का हक देने से बदलता है। और रोजी रोटी का जब हम सवाल करते हैं तो हमको भूख के सवाल की याद आती है। इस मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, और हम नहीं बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन बोल रहा है, जहां जाकर के मोदी जी भाषण देना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन का डेटा है कि पूरी दुनिया के अंदर हर दिन 21,000 लोग
दोपहर एक 21,000 लोग भूख से मर जाते हैं या भूख संबंधी बीमारियों के कारण मर जाते हैं। मतलब हिंदुस्तान के अंदर गांव की परिभाषा यह है कि जिस गांव की आबादी 5,000 से कम हो वो गांव है। तो समझ लीजिए कि एक दिन के अंदर 5,000 से कम का बात है तो 4 गांव जो है एक दिन के अंदर भूख से मर जाता है पूरी दुनिया के अंदर। ये आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है। और तब इस देश के अंदर लोग भूख की बात करेंगे तो आप बुलेट ट्रेन की बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लाइए बुलेट ट्रेन। लेकिन बुलेट ट्रेन से पहले उस आर्मी जवान को बुलेट प्रूफ जैकेट दे दीजिए जिसका पैसा आपका है। और जब जवान मर जाते हैं तब अचानक से इनको शहादत की याद आती है। मैं बोलना चाहता हूं अभी इस मंच से कि कौन शहीद है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर जो किसान खेतों में आत्महत्या कर रहे हैं, आप उसको शहीद मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस देश के अंदर जो मेहनत का आवाम है, जो फैक्ट्रियों में और फैक्ट्री के बाहर काम करते हुए अपनी जान दे रहे हैं, वो इस देश के शहीद हैं कि नहीं है। इस देश के अंदर महिला अधिकार के लिए जान देने वाले लोग, आपके सामने मनोरमा देवी हैं, सोनी सूरी बोल करके गई हैं, इरोम शर्मिला कितने दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हुए हैं, इनको आप शहादत का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे, ये सवाल आपसे खड़ा करता है। कश्मीर के अंदर जो आम नागरिकों की हत्या की जा रही है, उन आम नौजवान को जो मारा जा रहा है, उनकी जो आंखें फोड़ी जा रही है पैलेट गन से, आप उसको शहादत बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप नारा लगाते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी, भारत सिर्फ इस देश के अंदर जो गाछ है, जो वृक्ष है, जो नदी झरना और पहाड़ है उससे नहीं बनता है, सिर्फ खनिज संपदा से भारत नहीं बनता है, उस खनिज संपदा के ऊपर जो जंगल है उसमें जो रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनसे भी ये भारत बनता है। ये सवाल मैं आपको कहना चाहता हूं, ये भारत बनता है यहाँ के दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, गरीबों, किसानों और मजदूरों से। और उस भारत की अगर आप बात कर रहे हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। अगर उस भारत की आप बात कर रहे हैं जिस भारत के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक संविधान है जो सबको बराबरी का हक देता है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। और कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है हिंसा करने का या हिंसा का समर्थन करने का। इसीलिए जब आप युद्ध की बात करते हैं तब हम शांति की बात करते हैं, इसीलिए जब आप गोली की बात करते हैं हम रोटी की बात करते हैं। इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी के उस बात पे मुझे बहुत हैरत होता है कि वो कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर 10 करोड़ लोगों को मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वामी जी, आपका नाम और आपके परिवार का नाम उसमें शामिल है कि नहीं है, ये जरा बता दीजिए। और जो टीवी एंकर माइक लेकर के बोलते हैं कि युद्ध होना चाहिए, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि युद्ध हो और माइक लेकर के बॉर्डर पे सबसे आगे आपको खड़ा करना चाहिए। ये कौन लोग हैं सीमा के इस पार या सीमा के उस पार लोगों के ऊपर परमाणु बम चला देना चाहते हैं? एक तरफ कहते हैं कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर शांति का संदेशा लेकर के जाएगा और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि परमाणु बम चलाया जाए। ये ऐसा बोलने वाले लोग कौन हैं? दरअसल ये लोग मनुवादी लोग हैं। मनुवा स्मृति में जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के ऊपर अत्याचार और हिंसा को जायज ठहराया गया है, जिस तरीके से कहा गया है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, मतलब दूसरे के राजपाट के लिए गरीब किसान का बेटा बॉर्डर पे अपने जान दे दे और ये झंडा फहरा करके फोटो खिंचवा लेंगे, बहुत बढ़िया, ये नहीं चलने वाला है। अगर लड़ाई होगी इस देश के अंदर, मैं मोदी जी आप ही की बात कर रहा हूं, इस देश के अंदर लड़ाई होगी तो वो भुखमरी के खिलाफ लड़ाई होगी, सबको रोजी रोटी का कानून दिलाने की लड़ाई होगी। इस देश के अंदर अगर लड़ाई होगी तो दलितों को जमीन दिलाने की लड़ाई होगी। और जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग, महिला लोग हैं, वो आज विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं और उनके साथ जो शोषण होता है उस शोषण को खत्म करने के लिए रोहित एक्ट को लागू करवाने की लड़ाई होगी। और ये लड़ाई अगर हम लड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं कह देता हूं कि पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम अपनी लड़ाई को जीत जाएंगे
तो हम पाकिस्तान के लोगों को भी बोलेंगे कि ये नवाज शरीफ और मोदी जी चाय पे चर्चा बहुत कर लिए हैं, जरा इनकी चाय पे चर्चा बंद कीजिए और ये अपना मन की बात करें और वो अपनी कुर्सी की बात करें, ये चर्चा बंद हो और दोनों ही मुल्क में आम आवाम के हक की बात हो, इस पे चर्चा होना जरूरी है। और ये बात जब आप भूलेंगे तो भक्त लोग आपको गाली देना शुरू कर देंगे। और गाली अब वो कैसे देते हैं ये बहुत मजेदार है, कहेंगे भारत माता की जय, फिर आपको मां को गाली दे देंगे। लेकिन गलती इनसे एक चीज की हो जाती है, गलती क्या होती है कि मोदी जी चाय बेचे कि नहीं बेचे उसका प्रोपगेंडा इन्होंने बहुत अच्छा किया इस देश के अंदर। मेरी माँ तो सचमुच में आंगनवाड़ी की सेविका है और छोटे छोटे बच्चों को सुबह सुबह खाना भी खिलाती है और जब पखाना कर देता है तो पखाना भी साफ करती है। इसीलिए वो किसी एक बेटे की माँ नहीं होती है, वो कई बच्चे बच्चियों की माँ होती है। और मैं जब आंगनवाड़ी का बेटा हूँ तो तुम मेरी एक माँ को गाली देती हो, मुझे पूरे देश के खिलाफ वो गाली सुनाई देती है। और इसीलिए मैं तुम्हारे खिलाफ बोलता हूँ, बिना डरे बोलता हूँ, क्योंकि जब तुम मुझे मारोगे तो एक माँ नहीं हजारों माएं सरके पे निकल करके आएगी और तुम्हारे खिलाफ बोलेगा। ये इस देश के अंदर आंदोलन की ताकत है। और ये जो आंदोलन की ताकत है, इस आंदोलन की ताकत को देखकर ऐसा लगता है कि मुल्क को बर्बाद करना आसान नहीं है। हालांकि स्थिति ये है कि आप लोग पहले दिन 2 मिनट का मौन धारण किए हैं बहुत सारी चीजों पर। अगर ये मौन तोड़ा नहीं गया तो एक दिन लोकतंत्र के लिए 2 मिनट का मौन करना पड़ेगा। इसीलिए लोकतंत्र के लिए 2 मिनट का मौन ना करना पड़े, इसीलिए उस मौन को तोड़ने की जरूरत है, उस चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है। और जब आप चुप्पी तोड़ेंगे तो आपको बहुत सारे खतरे उठाने पड़ सकते हैं। और जब आप खतरों को उठाने के लिए तैयार हैं तो मैं कहता हूं कि जीत सुनिश्चित है। लड़ने के बाद जीत से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आज आप लोग इकट्ठा होकर के रोजी रोटी का अधिकार मांग रहे हैं तो सच कहता हूं ये अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता है। और जब हम काम करते हैं, जब हम जूता बनाते हैं, जब हम खेतों में काम करते हैं, जब हम फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जब हम कंप्यूटर पर बैठ करके कंप्यूटर इंजीनियर का और सॉफ्टवेयर का तमाम काम करते हैं, तो ये हमारा हक है कि हमको भी खाना मिले और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी खाना मिले। और खाना का सवाल आदमी के बुनियाद का सवाल है। अब आप बताइए, जहाँ नहीं हो रोटी कपड़ा और मकान, बताइए कैसे बनेगा भारत महान? अगर भारत को बनाना है महान तो इंतजाम करना होगा रोटी कपड़ा और मकान। इसीलिए भारत की महानता महज लफाजी से नहीं चलने वाली है। बचपन में मैं एक कविता पढ़ता था, धमक धमक कर आया हाथी, धमक धमक कर जाता हाथी। आजकल थोड़ा उसका टोन बदल गया है और प्लीज इसको भारत के प्रधानमंत्री से जोड़ करके एकदम नहीं देखिएगा। धमक धमक कर आता मोदी, अपना झूठ सुनाता मोदी। धमक धमक कर जाता मोदी, अपनी पूछ हिलाता मोदी। आजकल जो भारत के जमहूरियत के सबसे बड़े ओहदेदार लोग हैं वो भारत का प्रचार नहीं करते हैं, वो जीन्स का प्रचार करते हैं, मोबाइल के सिम का प्रचार करते हैं। कहाँ थे, कहाँ आ गए? इंसानों को छोड़ करके लोग गायों की बात करते हैं। आपको मालूम है, आपको अच्छे से मालूम होगा क्योंकि आप लोग इस देश के लोग हैं, पूरी दुनिया में गाय गोबर देती है, हिंदुस्तान में वोट देती है। और मजेदार बात यह है कि गाय को आगे करके जो पीछे पीछे कुर्सी लेना चाहते हैं वो एक बात भूल जाते हैं कि गाय लात भी मारती है। और बिहार में इनको बहुत जबरदस्त लात पड़ी है। अगर ये आपका रोजी रोटी का अधिकार ना दें तो इनको जो है लात पड़नी चाहिए, और बेशक गाय माता वाली लात पड़नी चाहिए, सॉलिड वाला। पहले हमने सुना था कि गाय से, उसके दूध से
लोगों को पोषण प्राप्त होता है। कुछ लोग आजकल गाय से राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त कर लीजिए, लेकिन गाय गाय ही रहेगी। गाय के नाम पे ज्यादा दिन राजनीति चलने वाली नहीं है। लेकिन जब तक ये चलती है, तब तक मेरे दिमाग में तरकीब आ रहा था, क्यों ना अपना नाम बदल करके गाय कुमार कर लूं, क्योंकि कन्हैया से ज्यादा वैल्यू तो गाय का है इस देश में। झज्जर में दलितों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मरी गाय उठा करके ले जा रहे थे। ऊना में बेतहाशा पीटा गया लोगों को क्योंकि वो गाय मरी हुई गाय का खाल खींच रहे थे। इसी झारखंड में लोगों को जिंदा पेड़ पे फांसी पे लटका दिया गया गाय के नाम पे। गाय अगर इतना इम्पोर्टेंट जानवर है, तब तो सब इंसान को अपना नाम बदल करके गाय कुमार या गाय कुमारी कर लेना चाहिए, शायद उनका जीवन बदल जाए। लेकिन भारत माता की जय कहने से लोगों का जीवन बदलता नहीं है। सुबह सुबह जब आप उठेंगे और दूध लेने के लिए जाएंगे, तो जो आपको दूध देगा उसको पैसा देना पड़ेगा। एक बार भारत माता की जय बोल के देखिएगा, और वो आपको दूध का पैसा नहीं ले तो फिर हमको कहिएगा। जीवन को चलाने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, और जब हम मेहनत करते हैं तो पैसा पाते हैं, और पैसा से अपना जीवन जीते हैं। ये मोटा मोटा बात है, किसी धर्म के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ये जब मोटा मोटा बात है, तो इसके नाम पे जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स आज शुरू हुआ है, पंडित लोग बहुत पहले ये पॉलिटिक्स करते थे। चटाई ले लेते थे कि आपके बाबूजी को स्वर्ग में मिल जाएगा, और यहीं पे सोते हुए पाए जाते थे। आजकल कुछ लोगों ने बदमाशी शुरू कर दी है, कहता है पंडित जी ऐसा कीजिए, हमारा मोबाइल ले लीजिए और जरा मेरे बाबूजी से बात करा दीजिए। भाई साहब, विज्ञान के दौर में अंधविश्वास नहीं चलेगा। मेहनत कश जब आज अपने अधिकारों को जान रही है, तो गाय और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं चलेगी। जब लोग आज खाने पीने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो आप युद्ध की बात करके लोगों को भटका नहीं सकते हैं। आज हमारे सामने अगर सबसे बड़ा सवाल है, तो इस देश के अंदर एक जो बहुत बड़ी आबादी है, उसके आत्मसम्मान का सवाल है। बोलिए भारत माता की जय, कौन मना करता है। माता की भी जय बोलिए, पिता की भी जय बोलिए, भाई बहन रिश्तेदार गांव पड़ोस पूरी दुनिया की जय बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जय बोलने से देश नहीं चलेगा। देश को चलाने के लिए किसानों की आत्महत्या को रोकनी पड़ेगी। गरीबों को, मजदूरों को, जो उनका न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता है, वो मजदूरी उनको दिलाना पड़ेगा। युवाओं को शिक्षा देनी पड़ेगी, और शिक्षा के हिसाब से उनको उनका रोजगार देना पड़ेगा। इस देश के अंदर अगर पैदावार हो रही है, तो लोगों को भूख से मरने से बचाना पड़ेगा। और देश नारों से नहीं, लोगों की स्थितियों से बदलता है। देश महज स्लोगन से नहीं, लोगों के जो वास्तविक हालात हैं, उससे महान बनता है। और लोगों का वास्तविक हालात तब अच्छा होगा जब लोग बीमारी से नहीं मरेंगे, जब लोगों को अपने माथे पे मैला नहीं धोना पड़ेगा, महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान का हक दिया जाएगा, आदिवासी पिछड़े दलित जो तमाम तरीके की आवाम है, जो मेहनत कश आवाम है, उसको उसका हक, उसकी मेहनत उसको देना पड़ेगा, उसका लूट को बंद करना पड़ेगा। और यह जो आजकल एक नया ड्रामा हुआ है कि पहले विकास मतलब विकास होता था, आजकल विकास मतलब कॉरपोरेट लूट होता है। मतलब जो ही आपको कहे कि ये फैक्ट्री आएगी और आपका विकास होगा, तो आप तुरंत सोच लीजिए कि आपकी जमीन जाने वाली है। जो ही कोई कहेगा कि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा स्कूल खुलेगा, आप समझ लीजिए कि आपका जमीन बिकेगा, और आपको फीस देने के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना जमीन बेचना पड़ेगा। हम कहते हैं कि इस देश के अंदर जब लोग बराबर हैं, ऐसा संविधान कहता है, जब लोग बराबर हैं, तो लोगों को बराबर की शिक्षा क्यों ना दी जाए। इस देश के अंदर समान शिक्षा प्रणाली को क्यों नहीं लागू किया जाए। जब हमारा और आपका वोट बराबर, तो हमारे और आपके बच्चे एक ही स्कूल में क्यों ना पढ़ें। स्कूली शिक्षा के नाम पे लोगों की मोटी गाढ़ी कमाई छीन ली जाती है। गरीब और मजदूर किसान की बात तो हम बहुत करते हैं, हम आपको कॉरपोरेट के अंदर काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनकी हालत भी आपको बताते हैं। वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं,
उनमें से ज्यादातर इंजीनियर या एमबीए किए हुए लोग होते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम इस देश का कानून कहता है कि 8 घंटे से ज्यादा अगर आप काम करते हैं तो आपको ओवरटाइम मिलना चाहिए, लेकिन वहां से ओवरटाइम की कोई बात नहीं उठती है। वहां जो नौजवान काम करते हैं, जो लड़के लड़कियां काम करते हैं, वो 16-16 घंटा काम करते हैं, और जब काम करके आते हैं तो कंप्यूटर पे बैठ के अपना रिपोर्ट बना करके अपने बॉस को भेजते हैं। अगर हनीमून पे घूमने के लिए गए हैं, नई नई शादी हुई है, वहां भी फोन लेकर के जाना होता है और टेलीफोन पर रिपोर्टिंग करना होता है। ये कौन सी व्यवस्था आ गई है कि पढ़े लिखों को भी गुलाम बनाया जा रहा है? और उनके हक अधिकार की अगर बात करें तो उनका पूरा शरीर, उनका पूरा जीवन लोन पे चलता है, गाड़ी से लेकर के वॉशिंग मशीन तक लोन पे है, लोन पे। अगर बीच में मर गए, सपोज कीजिए, क्योंकि इस देश में मरना बहुत आसान बात है, अगर मर गए तो क्या है सामाजिक सुरक्षा? क्या होगा आपके आने वाले बच्चे को? क्या होगा आपकी पत्नी का? इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। और उनसे जब हम पूछते हैं कि आपने मोदी जी का समर्थन क्यों किया, तो कहा कोई विकल्प नहीं था। अरे महाराज, हम लोग भूख से मर रहे हैं तो भूख के कानून के लिए लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहुत भूख लग जाएगी तो कीचड़ खाना शुरू कर देंगे। ऐसा तो नहीं है कि इस देश के अंदर अगर कांग्रेस ने गलतियां की होगी, इसका क्या मतलब है कि हम बीजेपी को लेकर के आ जाएंगे? ये एक गैर राजनीतिक मंच है। मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पर राजनीति की बात की जाए, लेकिन क्या करें, हम लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो राजनीति अपने आप निकलने लगती है। इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर हमेशा ऐसा होता है कि एक गरीब आदमी को ही अपनी ईमानदारी का सबूत देना होता है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन मैं जो भी बोलता हूं उससे सरकार को लगता है कि मैं राजनीति कर रहा हूं। बताइए, अगर इस देश के अंदर भूखों को खाने देने की बात राजनीति है तो इसको करने में क्या बुराई है? इस देश के अंदर अगर जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षा देने का बात है, अगर वो बात कोई करता है और ये राजनीति है तो इसको करने में क्या दिक्कत है? मैं ये सोच नहीं पाया कभी जब कॉलेज के अंदर हमारे प्रिंसिपल कहते थे कि तुम डिबेट बहुत अच्छा करते हो, राजनीति मत करो। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा कहा क्यों जाता है। जब बिहार के अंदर सरकार बदल गई और प्रिंसिपल साहब सरकार की जाति के अनुसार बदल गए, तब हमको समझ में आया कि जब वो कह रहे थे कि राजनीति मत करो, वो सबसे बड़ी राजनीति हमारे खिलाफ कर रहे थे। इसीलिए जब मेरी माँ को पोलियो का टीका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये राजनीति से तय होती है, तो हमारा भविष्य भी राजनीति से तय होता है। अगर टीका मिल गया तो पोलियो नहीं हुआ है, अगर नहीं मिला होता तो हो सकता कि मैं पोलियो ग्रस्त होता। इसीलिए इस देश के अंदर राजनीति का सवाल आपके जीवन मरण का सवाल है। और कोई किसी मंच पे कहे, चाहे आप एनजीओ से जुड़े हो या ना जुड़े हो, और कोई कहे कि नहीं 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 यहाँ राजनीति नहीं होना चाहिए, तो उसको तुरंत जवाब में कहिए कि तुम राजनीति करना बंद करो। अगर कोई ये कहता है कि राजनीति नहीं होना चाहिए, तो उसको बोले कि राजनीति करना बंद करो, क्योंकि हम राजनीति सत्ता और कुर्सी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम राजनीति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको शासन में जाना है। हम राजनीति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे हक की बात है, वो हमारे अधिकार की बात है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम न्याय और समानता की बात करते हैं, और न्याय और समानता की बात करना, संविधान और लोकतंत्र की बात करना, ये राजनीति नहीं है, ये हमारा बुनियादी अधिकार है। और इस बात को बेशक लोगों को करना चाहिए और अपने हक के लिए सड़कों पर उतर करके लड़ना चाहिए। और जो लड़ाई कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस देश के अंदर लोकतंत्र के लिए छेड़ी गई है, उसके साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाना चाहिए। और ये जो तमाम लोग अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, उनके साथ हमारी एकता बननी चाहिए, क्योंकि हमारी एकता हमारी जीत है, और हमारी एकता का ना होना ये उनकी जीत है। इनको, उनको अगर हराना है, अगर शासक वर्ग को हराना है, हमारे मेहनत को जो लूट रहा है उसको हराना है, हमारे ऊपर जाति का जो स्ट्रक्चर लाद करके जाति के आधार पर जो शोषण कर रहा है, अगर उसको हराना है, पितृसत्ता और पुरुषवादी मानसिकता को समाज पे थोप कर जो महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है उनको हराना है, तो हमको कंधे से कंधा मिला करके एकजुट होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और इस मुल्क के अंदर जो सवाल है गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी का, उसको हक, उस हक को छीन करके हमको हासिल करना पड़ेगा कि ये मुल्क
सबका है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, या ना किसी धर्म को मानने वाला हो। तमाम लोग, महिला हो या पुरुष हो, किसान हो या मजदूर हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो या अति पिछड़े हो, तमाम लोगों के हक और अधिकार की बात करनी पड़ेगी। तभी देश बचेगा, तभी संविधान बचेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। और अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आप लोकतंत्र के अंतर्गत अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर के संघर्ष नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप अपने संघर्ष की बात करेंगे, आपको फर्जी डिबेट में घसीट दिया जाएगा, जो हमारे साथ किया गया था। हम सड़कों पर इस बात के लिए नहीं उतरे थे कि देश के अंदर कौन सा नारा लगाया जाना चाहिए। हम सड़कों पर उतरे थे अपने वजीफे के लिए। हम सड़कों पर उतरे थे रोहित बेमुला को न्याय दिलाने के लिए। हम सड़कों पर उतरे थे ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद को खत्म करने के लिए। हम सड़कों पर उतरे थे शिक्षा के अंदर जो लूट है उसको खत्म करने के लिए, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाने के लिए। लेकिन राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के खिलाफ राष्ट्र विरोध का एक फर्जी बहस खड़ा करके हम लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। लेकिन उनको कह देना चाहते हैं कि जेल आपकी है, समाज हमारा है, और आपने जो इस समाज को जेल बना करके रखा है, उस जेल की दीवार को तोड़ने के लिए उस जेल में जाने से कोई परहेज नहीं है। आप बार बार जेल में डालिए, हम बार बार अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। और ये लड़ाई सबका साथ सबका विकास का ही लड़ाई है। मोदी जी, आपका जो जुमला है उस जुमले को ही समाज में हकीकत बनाने की लड़ाई है। और आपने जो अच्छे दिन की बात कही है उस झूठ को सच बनाना है, समाज में अच्छा दिन लाना है। और वो अच्छा दिन सबका होगा, सबके हक और अधिकारों के लिए होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि अगर हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, जीत हमारी होगी। ये हक की लड़ाई है, जीत के लेंगे, लड़के लेंगे, छीन के लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। मैं एक टीवी शो में गया था तो वहां एंकर ने कहा कि नारा लगाइए। हमने कहा कि हम स्टूडियो में नारा नहीं लगाते हैं, हम जनता के बीच नारा लगाते हैं। तो उसने कहा कि जनता यहां भी बैठी है। तो हमने कहा कि जनता से पूछ लीजिए, अगर वो नारा लगाना चाहती है तो हम लगाने के लिए तैयार हैं। ये तो हमारे लोग हैं, यहां पूछने की जरूरत नहीं है। तो जोर से लगाना है नारा, हम जो भी बोले आप आजादी बोलिएगा। हम क्या चाहते हैं, हम जो से बोल लो आजादी, हर मिस्टर बोल लो आजादी, हर भुखमारी से आजादी, हर भुखमारी से आजादी, हर गरीबी से आजादी, हर गरीबी से आजादी, हर लूट खसोट से आजादी, और करप्ट लूट से आजादी। हम लेकर रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, है हक तो हमारी आजादी। तो बोल रे भाई आजादी, अरे बोल रे।
बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों। सब पैनलिस्ट को अनुरोध है आके अपनी कुर्सी पे बैठ जाइए, सब लोग स्टेज से उतर जाइए, हमारा सत्र अभी पूरा नहीं हुआ है, आप लोग सब प्लीज बैठ जाइए, हमारा सत्र अभी बाकी है। लोगों के हमारे सारे अभियान से जो साथी जुड़े हैं, अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान, रोजी अधिकार अभियान से जो साथी हर राज्य से जुड़े हैं, उनमें से कुछ साथियों के सवाल है जो आप पैनल के सामने रखना चाहेंगे। अक्सर जो लोग पैनल में नहीं है स्टेज से प्लीज उतर जाइएगा। अच्छा दोस्तों प्लीज बैठ जाइए, आप सब लोग अभी सत्र खत्म नहीं हुआ है, प्लीज बैठ जाए। आप हमारे तीन युवा साथी मृणालिनी, आयशा और अंकिता जिनके एक सवाल रखेंगे जिसका जवाब हम चाहेंगे कि कन्हैया और दामोदर जी एक एक मिनट में दे हमें। हमारे अधिकार अभियान के साथी कुछ प्रश्न रखने वाले हैं, युवाओं के प्रश्न, हमारे सब वंचित समुदायों के प्रश्न। अंकिता से अनुरोध है कि आप पहले आके अपना प्रश्न रखें। झारखंड से अंकिता। सुनिए क्या हुआ? सब साथी से अनुरोध है कि प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। लड़ेंगे। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो युवा अलग अलग संघर्षों से जुड़े हुए हैं, जो अधिकार के संघर्ष है, वो तो आपस में संवाद करते रहते हैं, चर्चा